टीवी की एक जानी मानी एक्ट्रेस से जुड़ा हैरान कर देने वाला मामला इस वक्त खूब सुर्खियों में बना हुआ है। यह एक्ट्रेस है चंद्रिका साहा, जिन्हें आपने CID, सावधान इंडिया, अदालत और क्राइम पेट्रोल जैसे फेमस शो में कई बार देखा होगा। दरअसल चंद्रिका साहा ने अपने पति अमन मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। चंद्रिका ने आरोप लगाया है कि उनके पति मिश्रा ने उनके 15 महीने के बेटे को 3 बार फर्श पर पीटा है। जिया साहा ने बांगूर नगर लिंक रोड पुलिस से संपर्क किया और रविवार को ये शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने दावा किया है कि शुक्रवार को वो रसोई में थी और उनका बेटा उस वक्त काफी रो रहा था, इसीलिए उन्होंने मिश्रा से उसकी देखभाल करने के लिए कहा, जिसके बाद चंद्रिका के पति बच्चे को बेडरूम में ले गए। इसके बाद भी बच्चा लगातार रोता रहा। जब एक्ट्रेस ने बच्चे के शरीर पर चोटें देखी तब उन्होंने CCTV फुटेज चेक किए, जिससे उन्हें पता चला कि बच्चे को चोट पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ही है। मिश्रा ने उस बच्चे को कई बार फर्श पर पीटा, जिसके बाद बच्चे को मलाड पश्चिम के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि चंद्रिका साहा ने पुलिस को ये भी बताया है कि 2020 में जब वो शेयर कारोबारी मिश्रा से मिली थी तो वो तलाकशुदा थी, दोनों का अफेयर हुआ। जब साहा को पता चला कि वो गर्भवती हैं, तो मिश्रा ने जोर देकर उन्हें गर्भपात करने को कहा था। हालांकि एक डॉक्टर ने इसके खिलाफ सलाह दी थी और इसके बाद उन्होंने पिछले महीने शादी की, जब उनका बेटा 14 महीने का था। एक्ट्रेस ने पुलिस को ये भी बताया है कि उनके पति अपने बच्चे के जन्म से खुश नहीं है। चंद्रिका की शिकायत पुलिस ने दर्ज कर ली है और अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आपको बता दें कि चंद्रिका पिछले काफी सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही है, उन्होंने कई जाने माने शोज में काम किया है। ऐसे में चंद्रिका से जुड़ा ये मामला अब काफी तूल पकड़ रहा है और लोगों को हैरान कर रहा है कि कोई इंसान एक नन्हे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है।